Good morning guys. Good morning. Welcome back to our channel. आशा मैं करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी संडे एक बड़े अच्छे फ्रूट के तरह शुरू हो रही है. अमरूद जो अमेरिका में या तो मिलता नहीं है और अगर मिलता है तो इतना महंगा मिलता है कि किडनी बेचनी पड़ जाए अमरूद लेने के लिए. तो मुझे मम्मी अमरूद खिला रही है और मैं कर रहा हूँ अमेजोन पे घर के डस्टबिन की शॉपिंग. ये बहुत मिस करता हूँ मैं. अच्छा मम्मी खिला रही है और मैं काम कर रहा हूँ. ये मेरा फेवरेट चीज़ है इंडिया आके. और मम्मी सर्दी में पक्का मेरे लिए अमरूद लेती हैं और मैं अमरूद खाता हूँ. तो देखते हैं. और ये आ गई है हमारी रानी दीदी जो हमारे घर का पोछा लगाती हैं और इनके बिना घर हमारा बहुत मुश्किल चलता है. हेलो बोल दो. हेलो. ये तो बहुत दूर से आती है. ये बहुत दूर से आती है. दीदी आप कहाँ से आती हो? बदरपुर से. ये बदरपुर से साउथ दिल्ली आती हैं. रोज हमारे घर में पोछा लगाते, नीचे भी लगाते मामी के घर पे. हमारे महेंद्र भैया ये हमारे घर पे 20 साल से आ रहे हैं और हर हफ्ते आते हैं हमारे घर में, थोड़ी साफ सफाई में हेल्प करते हैं संडे के संडे. और मेरे घर में मेरा एक कुत्ता था डोजो, भैया उसको संडे के संडे नहलाते थे. 15 साल महेंद्र भैया ने डोजो को नहलाया. ये कहाँ से आते हो बता? लोनी से, गाजियाबाद से. ये गाजियाबाद से हमारे घर पे आते हैं. मैंने मना करते बताओ तो कहते हमको आना है. हेलो बोल दो. मैं आ गया हूँ नहा धो के, पूरे घर की साफ सफाई करवा के महेंद्र भैया से, रानी दीदी से. ये आज बैठे हैं हमारे वकील साहब, ऊपर आए हैं खाने. ये मम्मी बैठी हैं. वकील साहब हेलो बोल दो. वकील साहब ना खाने में बहुत बिजी हैं क्योंकि आज वकील साहब कुछ काम करते हैं फुल कंसंट्रेशन से करते हैं, ये मम्मी ने बोला. और वकील साहब इसलिए कंसंट्रेशन में बैठे हैं क्योंकि आज वकील साहब और हम सब खा रहे हैं बर्गर. कमल बर्गर बना रहा है आज. कमल हेलो बोल दे कैमरे को. कैमरा का मुंह मोड़ के हेलो बोल दे प्लीज. कमल अभी पूरी शिद्दत से हम सबके लिए बना रहा है वेज बर्गर क्योंकि संडे का लंच बहुत स्पेशल होना चाहिए. तो आज बने हैं बहुत ही टेस्टी बर्गर. मैंने अभी आधा ही खाया है, अभी बाकियों का बर्गर बन रहा है. तो सबने सजेस्ट किया ब्लॉग बनना चाहिए क्योंकि तो कमल के बर्गर बहुत फेमस होते हैं. और अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कमल प्लीज़ उसकी रेसिपी भेज दो. और मैं अब आ गया हूँ अपने दादाजी के पास. ये 93 ईयर ओल्ड हैं, थोड़ा इनकी हियरिंग में प्रॉब्लम है लेकिन ये हमारे दादाजी हैं. इनका इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया है कि मैं बोल लूँ या आप बोल लो. इनका इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया है कि थैंक्स टू गॉड इनको एक भी कोविड में वेव में कुछ नहीं हुआ. हंसते खेलते दोनों डोज अपनी लगवा ली और आज भी हार्ट एंड हेल्थी बैठे हुए हैं. और एक टेबलेट नहीं खाते. और हाँ एक भी टेबलेट नहीं खाते. ही इज एजिंग वेरी ग्रेसफुली. हेलो बोल दो. हेलो. आपको अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया. ये मेरे दादाजी हैं, बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके. और मैं जब भी इंडिया आता हूँ मैं ओ जो तुमने लास्ट में देखे थे हम दादी को ओ होल्ड वाली वही होल्ड लगी. हाँ एक्चुअली 2019 में जब मैं वापस यूएस गया जनवरी में, उसके 10 दिन बाद ही मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी. तो 2019 में ही जब मैं जो 2018 के दिसंबर में मैं आया था और जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं गया था और दादी जी की डेथ जनवरी के थर्ड वीक में हुई थी. तो जब मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ था इलिनॉय टेक से, जो मेरा टसल था वो मैंने टसल दादी को पहनाया था कि दादी मुझे आपको एक टसल में फ़ोटो खींचनी है. तो जब दादी की फ्रेम में फ़ोटो लगी वो टसल के साथ ही उनकी फ़ोटो लगी हुई है कि अर्जुन का ग्रेजुएशन टसल दादी की रिमेम्बरेंस फ़ोटो में लगा हुआ है. वो दादाजी मुझे बात बता रहे थे. मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे. आज है मंडे मॉर्निंग, वीकेंड फाइनली ख़त्म हो चुका है. कल मैं अपने दादाजी से मिलने गया था और अपने कज़न्स से भी मिलने गया था. बहुत मज़ा आया. और दादाजी से मिलने के बाद हम सारे कज़न्स और मम्मी और हम सब लोग गुड़गांव में बाहर खाने पीने चले गए थे. और फिर हम लोग वापस काफ़ी लेट आए थे घर.
उसके बाद हम सब टायर्ड थे और फिर हम सब सो गए थे और अब हम सुबह उठे हैं और अब मैं पी रहा हूँ अपना गरम गरम काढ़ा। काढ़ा क्या, नींबू और शहद और का इन कर इन हॉट वाटर, अपना लूक वार्म वाटर सुबह सुबह मैं पी रहा हूँ। मेरे को लगता है बॉडी मेरी बहुत अच्छा लगता है पी के, थोड़ा बॉडी को भी डिफरेंट लगता है वही सेम दाल रोटी से। तो और दूसरी चीज़ जो मैंने नोट करी, मैं पिछले दो दिन से वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा खा रहा था, क्योंकि वेकेशन वीकेंड में तो वेकेशन ही है ना, तो इतना ज़्यादा मैं खा रहा था। आज सुबह जब मैंने वेट लिया वो मेरा लास्ट के 10 महीनों का लोएस्ट वेट था। वो हो इसलिए रहा है शायद, जो हमें समझ में आ रहा है वो हो इसलिए रहा है क्योंकि मैं ना घर में लिफ्ट नहीं यूज़ करता, मैं घर में सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। और उस चक्कर में आई थिंक मम्मी कह रही हैं कि वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो दो दिन में जिम भी नहीं गया, तो इसका यही मतलब है कि अगर आप जिम ना भी करो बस बॉडी को एक्टिव रखो, आप फिट रहेंगे लाइफ में। इस नोट के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। गुड आफ्टरनून, आज मैं व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ और कल तो मैं व्लॉग की एंडिंग कर ही नहीं पाया था। मैं और मम्मी कश्मीर फाइल्स पिक्चर देख के आए थे और मन काफ़ी उदास था पिक्चर देख के। कुछ कुछ सीन्स ऐसे थे पिक्चर में जिनके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं था देखने के लिए, और मुझे बाद में यही समझ में आया कि अगर मैं स्क्रीन पे वो सीन नहीं देख पा रहा तो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों जिन्होंने वो सबको जिया है, उन घटिया दिनों को जिया है, हैट्स ऑफ उन बेचारों को, वो बेचारों को पूरा जस्टिस मिलना चाहिए, उनको अपने घर जाने का पूरा हक है। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है सोशल मीडिया, जिस पे आज एक ऐसी अपराइजिंग हो रही है कश्मीरी भाई बंधुओं के लिए कि आज से ज़्यादा पावरफुल शायद उन्होंने कभी लाइफ में फील नहीं किया। बिकॉज पूरा देश एक स्वर में, जहाँ बॉलीवुड ने इस पिक्चर को बॉयकॉट कर दिया है, न्यूज़ चैनल्स ने इस पिक्चर को बॉयकॉट कर दिया है, 90% पॉलिटिशियंस ने, लेफ्टिस्ट ने, सब ने इस पिक्चर को बॉयकॉट कर दिया है। यही इस पिक्चर की ताकत है कि इस पिक्चर को ऑडियंस का इतना प्यार मिल रहा है, इतना दुलार मिल रहा है। तो मैं आप सबसे बस यही रिकमेंडेशन होगी मेरी कि प्लीज़ इस पिक्चर को देखें, हॉल पे जाके देखें, ब्लैक में ना देखें, अपना पैसा खर्च के विवेक अग्निहोत्री और पूरी कास्ट को जो उन्होंने एफर्ट्स करे हैं सच्चाई दिखाने के लिए और उनसे ज़्यादा हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस पिक्चर को। ब्लॉग में आई थिंक आप लोग मेरे दादाजी से मिले, मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। मैं और अर्पण हमारे दादाजी को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वही हमारे ओनली लिविंग ग्रैंड पेरेंट हैं। तो आई थिंक मैं इस ब्लॉग को भी एंड कर देता हूँ और मैं आप लोगों से मिलूँगा बहुत जल्दी कुछ और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ। अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, मेरे कश्मीर रिव्यूज़ का फाइल, मेरे ग्रैंडफादर और मम्मी और मेरी थोड़ी हंसी मजाक, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और प्लीज़ हाँ मास्क का